क्योंकि चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि इस साल का वेदर काफ़ी ख़राब था, जो वेदर रिपोर्ट था उसका पूरा अपोजिट था, स्नोफॉल काफ़ी टाइम हुआ है, विंड काफ़ी तेज है 50-60 के स्पीड से, तो काफ़ी चैलेंजिंग, ड्राई एयर है बहुत ज़्यादा, और पिछले साल जहाँ हम लोग ग्लेशियर से पानी पीते थे, इस साल ग्लेशियर में कोई पानी नहीं, पूरा आइस को मेल्ट करके पीना पड़ा, तो इस साल का काफ़ी चैलेंजिंग था। एक्सीडेंट भी बहुत हुआ, हाँ एक्सीडेंट 14-15 लोगों का डेथ हुआ है इस साल, पूरा इंटरनेशनल इंडिया सब मिला के। बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के इतनी ऊंचाई पर चढ़ना कितने चैलेंजेस थे? देखिए ये पूरा आपका अबाउट 8000 पूरा डेथ जोन है, डेथ जोन में आप जाना मतलब बिना सांस के जाना इस बहुत ही रिस्की है, बट मेरे केस में मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया था इसलिए मैं उस वहाँ तक जा पाई हूँ, तो कोई भी ऐसी उठ के नहीं जा सकता है विदाउट ऑक्सीजन, उसके लिए आपको प्रिपरेशन का बहुत ज़रूरत है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रीम कंडीशन में रहना रह के ही आप इसको अचीव कर पाएंगे, मेरा हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी जो भी अगर नेक्स्ट जाना चाहेंगे उसके लिए आपका प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ बताइए हमको कि जब आप लोग बोलने के 15-14 लोग मरे थे उसमें एक भी आप बॉडी दिखने को मिला क्या? बॉडी है, बॉडी ऐसा कहीं आपका अंदर से टकमगाया नहीं क्या यार ऐसा क्या? बॉडी तो बॉडी के हमारा साथ का जो इंटरनेशनल टीम था उसी में से एक का डेथ हुआ है, ये हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का वजह से हुआ, हेस और हेव दोनों हो गया था, तो वहाँ पे ब्रेन काम करना बंद कर देता है। क्या क्या बोली, क्या बीमारी बोली? हेस और हेव बोलता है, हाई एल्टीट्यूड सेरेबल एडिमा, तो वो चीज़ अगर हो गया तो वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, तो उसको यही हुआ है, तो सबमिट करके जब वापस आ रहे थे तो वहाँ पे उसका डेथ हुआ, काफ़ी लोगों ऐसी डेथ हुआ इस बार। महिलाएँ तो दो थी, मैं एक थी और एक साउथ से थी, तमिलनाडु से।